हे एवरीवन, मैं हूँ अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9 की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। जब एक पेड़ को मार दिया जाता है तब क्या होता है। पोएट हैं जीव पटेल, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। ग्रीन मूवमेंट में उन्होंने काफ़ी एक अहम रोल भी प्ले किया और वो काफ़ी कुछ लिखते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़ के बारे में, और उनकी ये पोएम ऑन किलिंग अ ट्री भी है इसी बारे में। जो पोएट है वो एक तरीके से सेंसिटाइज करना चाहते हैं अपने रीडर्स को ट्रीज के बारे में बात करके, कि जब हम एक ट्री को काटते हैं तो हम महज उसे काटते नहीं बल्कि उसे मार डालते हैं, हम उसकी एक तरीके से हत्या कर देते हैं। तो एक ट्री को काटना एक ह्यूमन बीइंग को मारने के जैसा ही है। ये मैसेज एक तरह से देना चाहते हैं पोएट इस पोएम के थ्रू। और इसमें पोएट जो हैं वो दर्शाना चाहते हैं ह्यूमन कॉलसनेस, मींस जो हमें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इतने क्रूअल, इतने हार्टलेस, इतने इमोशनलेस हो चुके हैं कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो एक के बाद एक पेड़ काटते चले जा रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए। तो ये है इंट्रोडक्शन इस पोएम की। अब शुरू करते हैं स्टेंजा 1 से। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक ट्री को मार डालने में। अब आप देखिए कि यहां पे जो पोएट हैं वो ये नहीं कह रहे हैं टू कट अ ट्री, ही सेइंग टू किल अ ट्री, क्योंकि वो हमें ये महसूस कराना चाहते हैं कि लाइक आई सेड, जब हम एक ट्री को काटते हैं तो हम महज उसे काटते नहीं बल्कि उसे मार डालते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इसीलिए इस इमोशन को इंटेंसिफाई करने के लिए पोएट ने ये वर्ड जानबूझ के यूज किया है, किल अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक ट्री को मारने में काफ़ी वक्त लग जाता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, एक नाइफ लेके उस पर वार करने से, उसको नाइफ से मारने से एक ट्री की डेथ नहीं होती। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये बहुत धीरे धीरे से बड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे उगा है, ऊंचा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स अर्थ को यूज़ करके, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्री को जो वाटर चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सब उसे मिलते हैं मदर अर्थ से। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट होता है टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो सबसे ऊपर का लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट। और जो ट्री है वो कहाँ से उगता है, खड़ा कहाँ होता है, क्रस्ट पे। तो पोएट कहते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ है, अर्थ को यूज़ करते हुए, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, उसमें से वो धीरे धीरे निकलता है। सबसे पहले वो क्या होता है, एक सीड, और धीरे धीरे वो सीड से एक प्लांट बन के अर्थ से निकलता है और उसकी क्रस्ट पे आके उगने लगता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, एब्जॉर्ब करता है वो सालों तक सनलाइट को, एयर को और वाटर को, और धीरे धीरे उसकी लेप्रस हाइट, उसके जो बाक होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का, राइट। लेप्रस हाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि कंपैरिजन किया गया है उसका लेप्रसी से। जैसे कि लेप्रसी एक डिजीज़ है और जिसे भी लेप्रसी हो जाती है उसके स्किन पे ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के मार्क्स हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जो ट्री है उसकी बाक पे भी ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के मार्क्स हैं। तो इसीलिए उसकी हाइट को, यानी ट्री की स्किन को किससे कंपेयर किया गया है, एक ऐसे पर्सन की स्किन से जिसको लेप्रसी हुई हो। तो उसकी स्किन से, उसकी बाक से स्प्राउटिंग लीव्स, यानी कि पत्ते स्प्राउट करते हैं, पत्ते उगने शुरू होते हैं। अब इस पैराग्राफ में पोएट ने बताया है कि कितनी मुश्किल से, कितने सालों बाद एक ट्री बड़ा होता है। इट डजंट हैपन ओवरनाइट, एक ही दिन में नहीं ट्री उग जाता। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, कि आप उस पर कितने ही अटैक करो, कितने ही उसमें छोटे छोटे कट लगाओ,
बट आपके सब एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, आप ट्री को मार नहीं पाओगे. नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको शायद ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, आपने देखा होगा जब आप एक ट्री पे उसकी स्टेम पे एक कट लगाते हैं तो एक लिक्विड सा निकलता है, तो उस लिक्विड का कंपैरिजन किया गया है ब्लीडिंग से. जब एक इंसान को या आप किसी को भी एक कट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका ब्लड बाहर निकलेगा. सिमिलरली जो लिक्विड ट्री से निकलता है उसका कंपैरिजन किया गया है ब्लड से. तो पॉइंट कहते हैं कि तुम्हारे इन छोटे छोटे अटैक से, छोटे छोटे कट से ट्री नहीं मरेगा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा और उसका जो ब्लड निकलेगा वो भी कुछ देर बाद सूख जाएगा. जो बाक है, जो ट्री है, अपने आप को फिर से हील कर लेगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर से ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से नई छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी, ग्रीन कलर की मिनिएचर बाउस विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. फॉर्मर साइज मीन्स जो पहला साइज था. अगर आप उसको ऊपर ऊपर से काट भी देंगे तब भी ट्री फिर से उगाएगा. अगर उस पर फिर से अटैक नहीं किया गया तो वो वापस उगने लगेगा और धीरे धीरे वो बड़ा होके, एक्सपैंड होके अपने पुराने साइज में लौट जाएगा. नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अब इस टेंजा में पॉइंट जो है वो एक तरीके से एक वे बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि ट्री को कैसे मारना है, उसकी हत्या कैसे करनी है. कि आप जो कर रहे हैं छोटे छोटे अटैक्स, उससे उसकी डेथ नहीं होगी, वो शायद फिर से उगाएगा, तो आप उसको अच्छे से मार डालो. अब ऑब्वियसली जो पॉइंट है वो मीन नहीं करते कि आप मारो उसको, वो सरकास्टिक हैं, वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं ह्यूमंस का, उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे मारने से तो अच्छा है तुम उसको एक ही बार मार डालो. तो वो क्या कहते हैं, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकर वो होता है जो सपोर्ट देता है, जो एक सहारा देता है, और ट्री को खड़े होने में सहारा कौन देती है, अर्थ. तो पॉइंट कहते हैं कि उसको ऊपर ऊपर से काटने से कुछ नहीं होगा, ट्री फिर से उगाएगा. तो अगर तुम्हें उसे मारना ही है तो उसकी रूट को उखाड़ के अर्थ से बाहर निकाल डालो, जो उसको अभी तक सपोर्ट दे रही थी, जो उसको सहारा दे रही थी. इट हैज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. उसमें रस्सी बांध के, उसको जोर जोर से खींच के उसको पुल आउट करना पड़ेगा, उसको पूरे तरीके से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उसको पूरे तरीके से उखाड़ देना पड़ेगा अर्थ से. अब अर्थ को क्या कहा गया है, अर्थ केव. केव एक होम है एनिमल्स के लिए या जो भी रहता है उसमें, तो एक तरह से वो शेल्टर है, उसका घर है. सिमिलरली ट्री का असली घर क्या है, ट्री का घर है अर्थ, क्योंकि वो उसी में तो छुपा हुआ है, जो उसकी रूट है वो अर्थ में ही तो है. तो उसके घर से तुम्हें उसे खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, उसे उखाड़ना पड़ेगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. अब ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो किस में है, ट्री की पूरी ताकत है उसकी रूट्स में. अगर किसी प्लांट की या किसी ट्री की जड़ ही उखाड़ दी जाए तो वो फिर से नहीं उग सकता, वो मर जाएगा. तो पॉइंट कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें उसे उखाड़ना पड़ेगा, ताकि जो स्ट्रेंथ है ट्री की, जो रूट है, वो एक्सपोज हो जाए, वो बाहर आ जाए. द सॉस वाइट एंड वेट, जो उसका सॉस है, जो उसका जरिया है, जो वाइट है और वेट है. आपने देखा होगा रूट्स जब निकालते हैं तो वो काफ़ी वाइटिश कलर की होती हैं और गीली भी होती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर के पानी से वो वेट हो जाती हैं. तो उस रूट को तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा. द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है अर्थ का, सॉरी ट्री का रूट्स, जो इतने सालों तक मदर अर्थ में छुपा हुआ था, अपने घर में रह रहा था, उसे तुम्हें उखाड़ के बाहर निकालना पड़ेगा. देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड इट इज डन. और फिर कुछ ही देर में जब धूप में और हवा में उसकी जो रूट है वो बाहर आएगी, वो धीरे धीरे जो वाइट कलर की थी वो ब्राउन कलर की होने लगेगी, फिर सूख के हार्ड हो जाएगी,
ट्विस्ट करेगी और उसके धीरे धीरे वो डीकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो इस तरह से वो जो ट्री है वो मर जाएगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो लाइक आई सेड, इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वो कोई तरीका नहीं बता रहे हैं कि इस तरीके से आप उसको मारो, वो एक तरीके से हमें एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम कितने इमोशनलेस हैं, कितने सेल्फिश हैं और स्वार्थी हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कितने रेकलेसली ट्रीज़ को काट रहे हैं बिना कि ये सोचे कि उनमें भी जान है, वो भी लिविंग बींग्स ही हैं। तो ये हो गई हमारी पोएम। अब डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम। आपको पता ही है राइम स्कीम कैसे देखते हैं, लास्ट के वर्ड्स की राइम को मैच किया जाता है, और इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है तो इसे हम कहेंगे फ्री वर्स। अब स्टेंजा वन की बात करते हैं। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन। टू किल अ ट्री, जैसे कि मैंने बताया, जब किसी भी ऐसी चीज़ जो कि एक ह्यूमन बींग नहीं है उसको एक ह्यूमन की तरह जब प्रेजेंट किया जाए, उसको एक पर्सोनिफाई किया जाए एक तरीके से, उसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम में फर्स्ट लाइन में ही ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है। टू किल अ ट्री, ट्री ने ये नहीं कहा, पोएट ने ये नहीं कहा कि टू कट अ ट्री, उसने कहा टू किल अ ट्री, तो ये हो गई पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। आप देखिए बहुत सारी लाइंस के बाद, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये हो जाएगा एंजॉयमेंट। नेक्स्ट है मेटाफोर। सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट। जैसे कि मैंने पोएम में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ट्री की स्किन, यानी कि उसकी टॉप लेयर का, एक ऐसे पर्सन की स्किन से जो सफ़र कर रहा है लेप्रसी से। जैसे लेप्रसी में स्किन पे धब्बे हो जाते हैं ब्राउन कलर के, सिमिलरली जो ट्री की स्किन है उसका कलर भी कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए उसको कहा गया है लेप्रस हाइट। मूविंग ऑन, सेकेंड स्टेंजा में ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसे कहेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। उसके बाद है मेटाफोर। अब इसी फ्रेज में मेटाफोर भी यूज किया गया है, क्योंकि ट्री से निकलने वाले लिक्विड, जब ट्री पे अटैक किया जाता है, उसमें कट लगाया जाता है, तो एक लिक्विड सा निकलता है, एक गम निकलता है, उसका कंपैरिजन किया गया है ब्लड से। और जब भी किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन होता है उसे बोलते हैं मेटाफोर। इसी स्टेंजा में एंजॉयमेंट भी यूज हुआ है। फर्स्ट लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, तो इसे कहेंगे एंजॉयमेंट। थर्ड स्टेंजा में फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन यानी रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन। देखिए थर्ड लास्ट लाइन में देखिए, वाइट एंड वेट, वाइट वेट, व साउंड रिपीट हुई है यहाँ, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एलिट्रेशन का। उसके बाद रेपिटेशन, इसी स्टेंजा में ये जो वर्ड्स हैं पुल्ड आउट, ये तीन बार रिपीट किए गए हैं, फर्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन और फिर फिफ्थ लाइन में, तो इसे हम कहेंगे रेपिटेशन। एंजॉयमेंट का यूज इस स्टेंजा में भी है। फोर्थ लाइन में के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, उसके बाद ट्री एक्सपोज्ड के बाद भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और थर्ड सेकेंड लास्ट लाइन में भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जब किसी लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता किसी पोएम में, तो उसे कहते हैं एंजॉयमेंट। दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है। आई रिकमेंड कि आप वो भी प्लीज़ देखें, उसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, आपको लिखना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा, और आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सुन के जाएंगे तो आपको लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।